हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सबको। मेरा नमस्कार, मैं दिनेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी इन हिंदी पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज ये वीडियो में बात करने वाले राजस्थान विद्युत विभाग के JVNL भर्ती परीक्षा के बारे में। तो दोस्तों, इसमें मैं आपको आंसर की दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ जो रिजल्ट आंसर की डेट दिखाने वाला हूँ, साथ रिजल्ट कब आएगा उसकी भी डेट बताने वाला हूँ। और खास बात यह कि कितने गुना अभ्यर्थी पास होंगे, जो कि मेरे को मेरे जितने भी शिफ्ट के मैंने एनालिस के वीडियो डाले थे सब में मेरे को ज़्यादातर यही क्वेश्चन देखने मिला थे कितने गुना अभ्यर्थी पास होंगे। तो इसका आंसर भी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। उससे पहले खास बात ये कि आपने अभी तक जितने भी जोन की जो अलग अलग मैंने आपके डिवीज़न की कट ऑफ आपको बताई है आपने वो नहीं देखी है, तो मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें JVN हेल्पर कट ऑफ नाम से बताया गया है, उसमें सारे डिवीज़न के आपको कट ऑफ अलग अलग बताई है। तो एक बार जाके आप उन सभी कट ऑफ को जरूर देख लीजिए कि आप कौन से जोन में हो, और अगर उन कट ऑफ के दायरे में अगर आपका नंबर आ रहा है तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहिए। जहाँ तक संभावना है कट ऑफ वही रहने वाली है, कुछ दो चार नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा होने की संभावना नहीं है। तो बात करते हैं आंसर की रिजल्ट डेट की। तो उससे पहले मैं आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको क्या क्या चाहिए वो बता देता हूँ, तो उसके बाद में आपका रिजल्ट और आंसर की कब आएगा, और जैसे ही ये रिजल्ट और आंसर की जारी होता है सबसे पहले आपको मेरे चैनल द्वारा अपडेट दे दी जाएगी। दोस्तों, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है इस रेड बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पास ही बने बेल आइकन बटन पर प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि मेरे द्वारा बने गए वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। राजस्थान में किसी भी प्रकार की वैकेंसी होगी, जैसे ही उसकी अपडेट आएगी सबसे पहले आपको मेरे चैनल के द्वारा दे दी जाएगी, चाहे वो पटवारी की हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस की हो, चाहे वो RS एग्जाम हो, सबसे पहले अपडेट आपको मेरे चैनल के द्वारा दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन पर प्रेस कर दीजिए। तो दोस्तों, बात करते हैं कि पहले कितने गुना अभ्यर्थी पास होंगे इस एग्ज़ाम में। तो दोस्तों, ये जो बता रहा हूँ ये आपके जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर भी लिखा हुआ है। तो दोस्तों, अब बताया गया कि दस्तावेजों के सत्यापन के लिए प्रत्येक श्रेणी के तहत रिक्त पदों के 1.5 गुना तक सीमित सफल उम्मीदवारों को प्रत्येक कंपनी के अलग अलग तैयार किए गए उपरोक्त मेरिट सूची में योग्यता के अनुसार बुलाया जाएगा। तो दोस्तों, इसके कहने का मतलब है आपके जितने भी अलग अलग डिवीज़न थे पहले तो उनकी अलग अलग कटअप बनेगी और उन्हीं में कैटेगरी वाइज आपकी अलग कटअप बनेगी, और उसमें से 1.5 गुना अभ्यर्थी प्रत्येक कटअप के श्रेणी वाइज 1.5 गुना अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। तो दोस्तों, इसमें भी अगर आपके मन में कुछ डाउट रह जाता है एक बार पूरी संपूर्ण जानकारी देख लीजिए। अगर आपके मन में कुछ विचार है या फिर आप मेरे से कुछ कहना चाहते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको उसका रिप्लाई मिल सके। तो दोस्तों, 1.5 गुना लिया जाएगा, प्रत्येक डिवीजन के अलग अलग श्रेणी के हिसाब से 1.5 गुना अभ्यर्थी लिए जाएंगे। बात करते हैं आगे की तरफ, बताया गया है कि उम्मीदवारों को अपने मूल दस्तावेज के सत्यापन के लिए समिति के समक्ष इस उद्देश्य के लिए सूचित तिथि के साथ स्वयं सत्यापित फोटो स्टेट प्रति के साथ एक सेट के साथ निम्नलिखित मूल दस्तावेज के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यानी कि आपको एक फोटोकॉपी के साथ स्वयं सत्यापित यानी खुद को सेल्फ अटेस्टेड करके फोटोकॉपी एक साथ में लानी है जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है। तो दोस्तों, आगे की तरफ लिखा है कि सिस्टम ने उम्मीदवार की स्कैन की गई तस्वीर और हस्ताक्षर के साथ आवेदन पत्र का प्रिंट आउट तैयार किया। जो दोस्तों आपके साथ प्रिंट आउट है, आपकी हार्ड कॉपी है, वो आपको लेके आनी है। साथ ही जमा की गई ई रसीद का प्रिंट आउट, जो आपकी फीस की रसीद है उसका भी प्रिंट आउट आपको लेके आना है। आगे तरफ बताया गया जन्म की तारीख और आवश्यक शैक्षणिक दस्तावेज के समर्थ में माध्यमिक विद्यालय प्रमाण पत्र और मार्कशीट भी आपको लेने आनी है। दोस्तों, आगे लिखा है यदि आप विवाहित हो समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया विवाह प्रमाण पत्र भी आपको लेके आना है। विवाहित उम्मीदवारों के मामले में एक हल्फनामा स्पष्ट रूप से सभी बच्चों के नाम और जन्मतिथि का संकेत देता है जिसमें गोद लिए गए और सौतेले बच्चों या एक हल्फनामा शामिल है। यदि रुपये के बगैर न्यायिक स्टाम्प पेपर का कोई बच्चा नहीं है, 50 में लिखा है कि किसी विकलांग बच्चे के होने पर उसकी विकलांगता के बारे में समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना अनिवार्य है, और TSP क्षेत्र सेहारस या उत्कृष्ट खेल व्यक्तित्व भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ आरक्षण का दावा करने के लिए संबंधित समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र या प्रासंगिक दस्तावेज होना आवश्यक है, और गैर क्रिमिलियर के AC ST और BC MBC का प्रमाण पत्र जैसे कि मामला हो सकता है केवल राजस्थान राज्य के संबंधित समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी होना चाहिए। दोस्तों, स्कूल या संस्थापक के समक्ष प्राधिकारी से अच्छे चरित्र का प्रमाण पत्र या कैरेक्टर सर्टिफिकेट जहां अंतिम शिक्षित और 2 प्रमाण पत्र आवेदन भरने के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पहले 6 महीने से अधिक नहीं
लिखे गए हैं। तो दोस्तों 6 महीने के अंदर दायरे के होने चाहिए। दो, जिम्मेदार व्यक्ति अपने स्कूल से जुड़े नहीं है या संस्था या विश्वविद्यालय और उससे संबंधित नहीं है तो उनके भी हस्ताक्षर इस पे होने चाहिए। गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक शपथ पत्र रूपी नोटरी पब्लिसी द्वारा 50 रुपये की विविध रूपे से सत्यापित किया जाता है कि उसके मामले किसी भी अदालत में कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है और उसे किसी भी आपराधिक मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है। यदि उसे दोषी ठहराया गया या उसके खिलाफ़ कोई आपराधिक मामला लंबित है तो शपथ पत्र में विवरण का उल्लेख किया जाना चाहिए। यदि लाभ उठाया गया है तो खंड भाग 13 के तहत उम्र में छूट, किसी भी अधिकारी द्वारा दिए गए अनुभव प्रमाण पत्र को संबंधित निगम में सहायक अभियंता के पद से नीचे नहीं होना चाहिए, स्पष्ट रूप से प्रशिक्षण की अवधि का संकेत देता है। दोस्तों एक पॉइंट में ये बताइए कि यदि कोई उम्मीदवार निर्धारित समय और तिथि पर दस्तावेज के सत्यापन के लिए उपस्थित नहीं होता है तो उसकी उम्मीदवारी को स्वचालित रूप से अस्वीकार कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, आपको जो डॉक्यूमेंट चाहिए थे उसके बारे में थी जानकारी। अब आपको बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की और आंसर की कब जारी होती है उसके बारे में। तो दोस्तों आपकी जो आंसर की और एग्ज़ाम डेट है उससे पहले आप एक बार जो मेरे प्लेलिस्ट के अंदर जो कटअप बताई गई है अलग अलग डिवीजन की, एक बार आप जाके देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में JVNL हेल्पर कटअप के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उसमें जाके देख लीजिएगा कि आपके कटअप के अंदर दायरे में नंबर मार्क्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं और उस पर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसी डिवीजन में नीचे कमेंट जोन में जाके कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों जो आपकी आंसर की है वो आपके एक मंथ के अंदर जारी कर दी जाएगी। एक मंथ में जारी होने के बाद में दोस्तों आपको ऑब्जेक्शन के लिए 10 दिन या 7 दिन दिए जाएंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन पर आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है या फिर इसका जो प्रिंट है वो गलत है, जैसा भी आप ऑब्जेक्शन करना चाहते हो उस पर ऑब्जेक्शन के लिए आपको 10 से 7 दिन दिए जाएंगे। तो दोस्तों उसके 10 से 7 दिन बाद ऑब्जेक्शन कंप्लीट होने के बाद में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसमें कम से कम आपको 10 दिन और ज़्यादा लगने के बाद कम से कम 40 से 45 दिन लग जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक जो होती इसकी संभावना है लगभग आपके 1.5 महीने के बाद यानी कि फरवरी के थर्ड वीक तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है। तो फरवरी तक आपको रिजल्ट का वेट करने के साथ अगर आपके मार्क्स ज़्यादा आ रहे हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी तैयार रहिएगा। अगर आप मेरे से कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं या फिर आपके मन में कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, मेरे द्वारा आपको रिप्लाई मिल जाएगा। जैसे ही इसकी रिजल्ट की डेट या फिर आंसर की कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है सबसे पहले आपको मेरे चैनल के द्वारा जानकारी दे दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन बटन पर भी प्रेस कर देना ताकि जैसे ही मैं कोई अपडेट का वीडियो डालूँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये थी अपडेट, कुछ वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि उनकी जो कन्फ्यूजन है वो भी दूर हो जाए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बदलते मौसम अपने स्वास्थ्य का भी जरूर ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। बाय।